दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेफ रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे हॉस्पिटल है जहाँ हम मानसिक रुग्णों को रिश्तेदारों के समेत रख के उनका इलाज करते हैं, और दूसरा एक हॉस्पिटल है कि जहाँ हम मानसिक रुग्णों को बिना रिश्तेदार भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन इतना कॉमन है कि ऐसा कहा जाता है कि 10-15% लोगों को डिप्रेशन है आज के तारीख में, और डिप्रेशन रहा तो किसको बहुत कम प्रमाण में डिप्रेशन रहता है, किसको बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहता है। और हम बहुत ही आसानी से बोलते हैं क्यों इतना डिप्रेस रहता है, इतना मूड खराब करके लेता है, जरा अच्छा मूड कर ले, ऐसा हम बोल देते। तो एक मूड थोड़ा खराब हो गया और वो डिप्रेस्ड है कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए तो ठीक है, मगर डिप्रेशन काफ़ी समय तक चला, कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक उसके लक्षण हैं, तो उसका इलाज करना जरूरी होता है। आज करीब करीब 3.5 करोड़ लोग दुनिया में हैं कि जिनको डिप्रेशन है और जो इलाज ले रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि डिप्रेशन के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, मतलब केमिकल फैक्टर्स, वो जिम्मेदार है। जैसा सेरोटोनिन लेवल्स जो है ब्रेन की, सेरोटोनिन लेवल्स, तो वो कम होने के कारण, या डोपामिन लेवल्स कम होने के कारण ब्रेन में इम्बैलेंस हो जाता है और उसके वजह से डिप्रेशन होता है। तो सब दवाई जो है वो दवाइयाँ सेरोटोनिन लेवल या डोपामिन लेवल्स या नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन लेवल्स, मतलब कैटेकोलामिन लेवल्स जो है, केमिकल्स जो है ब्रेन में, वो लेवल बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है, या वो दवाई की जो सेंसिटिविटी कम हो गई है वो सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स की बढ़ाने के लिए दवाई दी जाती है, कि जिसकी वजह से उनकी सेंसिटिविटी है रिसेप्टर की वो अच्छी हो जाएंगी, या ये जो केमिकल्स है इसकी लेवल्स जो है ब्रेन की वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा ब्रेन की जो स्टडीज अलग अलग हुई है उसमें मालूम ऐसा पड़ा है कि हिप्पोकैम्पस करके जो ब्रेन की एरिया रहती है उसका ग्रोथ जो है वो कम हो जाता है, मतलब उसका ग्रोथ कम हो जाता है या उसका वो सिकुड़ जाता है, उसकी जो सेल्स है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, उसका जो पार्ट है वो मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, वो कम प्रमाण में पाया गया। तो उसके लिए जो दवाई दी जाती है वो न्यूरोजेनेसिस, उसको कहते हैं कि न्यूरोजेनेसिस, न्यूरॉन्स का नया तैयार होना, नए न्यूरॉन्स तैयार होना और उसकी ग्रोथ फिर से हो जाना, ये संभव है यदि हम उनको कोई दवाई देती है। तो हिप्पोकैम्पस कैन बी ब्रॉट इनटू नॉर्मल साइज और शेप, हिप्पोकैम्पस मतलब जो भी उसमें खराबी हो चुकी है वो ठीक हो सकती है, एक सारी भाषा में बोलना है तो हिप्पोकैम्पल रीजन में। फिर दूसरा है कि जेनेटिक फैक्टर्स जो है, जीन्स, उसमें प्रॉब्लम होने के कारण, मतलब जीन एबनॉर्मलिटी, उसके कारण भी डिप्रेशन होता है। जैसा जुड़वा भाई है या भाई बहन है, वो जुड़वा में से एक को जो डिप्रेशन होता है तो दूसरे को 68% चांस है, 68% चांस है, प्रतिशत चांस है कि दूसरे को भी डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए जेनेटिक फैक्टर्स भी उसके लिए जिम्मेदार है और ट्विन सिटीज में पाया गया है। हम क्या कहते हैं यूजुअली कि डिप्रेशन हो चुका है तो उसे ठीक है, चलो लोगों में जाओ, अच्छा रहो, अच्छे गाने सुनो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा करते हैं, मगर उसको ट्रीटमेंट देना जरूरी है, उसके साथ साथ उसको अकेले रहने देना नहीं। जो डिप्रेस पेशेंट है उसको कभी भी अकेला नहीं रहने देना, क्योंकि जब अकेला रह जाता है वो तो विचारों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के विचार आते रहते हैं और उसमें वो कम ज़्यादा मतलब खुदकुशी भी कर सकता है, सुसाइडल थॉट्स यदि आते हैं तो उसको लोगों में मिलना जुलना, मतलब उसको कितना ज़्यादा हो सकता वो करना, आइसोलेशन में नहीं रखना, फैमिली के साथ में रखना, कोई मतलब दिमाग को अच्छी चीज़ जो लगती है, अच्छे विचार दे उसके कैसेट सुनना, इंस्पिरेशनल वीडियो दे वो सुनना, टीवी देखना, लोगों में मिलना जुलना वो उसको कर देना चाहिए, अकेले रहना देना नहीं है, रहने देना नहीं है कि उसमें ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। मगर उसके साथ साथ हम उसके ऊपर प्रेशर डालने का नहीं है कि नहीं नहीं काम ही करो, काम ही करो, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, उसमें एनर्जी कम होती है, वो थक जाता है, तो उसके ऊपर प्रेशर भी डालने का नहीं कि काम करो, काम जितना उसके उसको मतलब काम जम सकता है उससे जितना भी काम हो सकता है उतना उसको काम करने दो, खाना पीना ठीक करना, दवाई देना, और उसके साथ साथ काउंसिलिंग भी करना, उसका कौन से विचार है, कौन से नर्वस विचार आ रहे हैं, कौन से डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ कारण है क्या, क्या सोच रहा है वो, क्योंकि क्या है कि एक बार वो थॉट्स जो है वो निगेटिव 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 होते रहेंगे
तो वो निगेटिव जो श्रृंखला हो जाती है विशेष साइकिल, उसमें वो फंस जाता है। तो उसके साथ में उसका काउंसलिंग भी करते, साइकोथेरेपी करते, मानसोपचार करते, तो भी डिप्रेशन में दवाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आपके आजू बाजू में काफ़ी लोगों के जिनको डिप्रेशन है, या फिर वो डिप्रेशन की शिकार है, या मामूली भी डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और दवाई की कर रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उसको उसके बारे में अच्छी बातचीत करो, मोटिवेशनल वीडियो देखता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, उसका काउंसलिंग हो सकता है, और जो भी कारण है डिप्रेशन का यदि है तो वो यदि उसको निकाल दिया या उसके बारे में कोई चर्चा हुई तो डिप्रेशन से अच्छा हो सकता है। ये वीडियो जरूर सब्सक्राइब करो, आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार जो है, डिप्रेशन जिनको है, वो लोगों तक ये पहुँचे और वो उससे उनका खुद का उपचार कर सकेंगे, उससे मुक्ति पा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।